रैली, मैं पॉलिटिक्स की रैली की बात नहीं कर रहा बल्कि 8 सितंबर को रिलीज होने वाली द रैली मूवी की बात कर रहा हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है पूरी मूवी की टीम, चलिए जानते हैं उनसे कुछ मूवी की और ख़ास बातें। मैम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हर दिन कुछ हमें सीखने को मिला एज अ न्यू कमर। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी, पर पूरी टीम ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया, ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग न्यू कमर्स हैं। और ऐसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस थे, पूरी मनाली को हमने कवर किया है, हमने बर्फ़ में शूट किया है, पानी के अंदर, पैराग्लाइडिंग हवा में, भी ट्राइड एवरी पॉसिबल स्पॉट्स इन इट, तो एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। एंड दीपक जी लॉन्च करते हैं न्यू फेसेस को, तो हमें लाइक यू नो आई एज अ न्यू कमर आई फेल्ट रियली excited and I felt really lucky to have been launched by him. Okay. Shooting के दौरान कोई ऐसा वाक्य जो आपको बहुत याद हो और वो ज़्यादा funny हो आपके लिए? वैसे तो मैं पहाड़ों से भी बातें करती हूँ, और एक ऐसा डिफरेंट सा सेंटेंस है जो बहुत अलग है, जैसे कि आई हेट यू का मतलब है कि वो मेरा दुश्मन है, और आई लाइक यू का मतलब एंड देन ही सेज सो। बहुत सारे ऐसे परफॉर्म, बहुत सारे ऐसे शॉट्स थे जो बहुत अलग थे। Okay. फिल्म में अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। मेरा जो कैरेक्टर का नाम है वो है बबल। Okay. जो क्यूट सी लड़की है, स्वीट सी लड़की है, जिसे बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग, दारू पीना, लोग नॉनवेज खाते वो पसंद नहीं है, और वो लोगों पे बहुत ईजिली भरोसा कर लेती है। Okay. और यही इसी से ही जो लोगों के भरोसा के बाद जो प्यार में धोखा होता है एंड एवरी थिंग दैट इज़ वॉट अ गर्ल गोज थ्रू इज शोन इन द मूवी, अलॉन्ग विद अ लव स्टोरी, अलॉन्ग विद अ रैली, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी में? मेरा एक्सपीरियंस क्या बताओ यार, फर्स्ट टाइमर हो तो कैसा होता है एक्सपीरियंस? आप जब फर्स्ट जॉब पे जाते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो उसी टाइप का था, बचपन से एक सपना था, मैं हूँ तो बॉम्बे का, बट क्या होता है जब आपके पास एक रूट नहीं होता, एक रास्ता नहीं होता है, तो हमें खुद बनाना होता है। मेरी भी कुछ ऐसी जर्नी थी, बट जब फाइनली मैं पहुंच गया, एक्सपीरियंस हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं, इट इज़ बेटर देन डूइंग अ वर्कशॉप। हालांकि मैंने वर्कशॉप भी किया हुआ है फ्रॉम किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ ऑन द जॉब एक्सपीरियंस जो होता है, जैसे कि मैंने क्राफ्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। फिल्म मेकिंग बहुत टेक्निकल चीज़ है, हम जब बाहर से देखते हैं तो बड़े ही आसान से हम हंस के निकल जाते हैं, बट उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो मैंने इस फिल्म के फिल्म को शूट करते टाइम सीखा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, दीपक सर से काफ़ी सीखा मैंने। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बताइए। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का है जिसका बचपन का सपना है हिमालयन रैली का चैम्पियन बनना। मैं इसीलिए कहीं उस कैरेक्टर से रिलेट करता हूँ क्योंकि मेरा भी एक सपना था, मुझे भी एक चीज़ चाहिए थी, फोकस मेरा सेट था। उसी तरह पपलू जो मेरा कैरेक्टर का नाम है, उसका फोकस सेट, उसे पता है कि उसे हिमालयन रैली में पार्टिसिपेट करना है और एक दिन चैम्पियन बनना ही बनना है। रास्ते नहीं थे, रूट नहीं थे, प्लान नहीं था, बट उसे क्या क्या चीज़ें करने पड़ती है गोल अचीव करने के लिए, अलग अलग लोगों से सिचुएशन से डील करने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली उसकी जर्नी है ऑन हाउ ही ट्राइज टू अचीव हिज ड्रीम। ओके, आपने कहा कि आपका बचपन से सपना था एक्टर बनना, आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल तो वैसे तो मैं नाम लेते लेते शाम हो जाएगी, बट एक है आपके दिल्ली की है, वो है शाहरुख खान सर। उनकी एक्चुअली क्या है ना, मैंने फर्स्ट फिल्म जो लाइफ में देखी पूरी जो मुझे आज तक याद है वो है कुछ कुछ होता है। वो देखने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे भी एक दिन एक हिंदी फिल्म का हीरो बनना है, तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। बट अदरवाइज द सेकंड नेम इफ आई हैव टू गिव इट इज़ बच्चन सर। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन हु हैज़ गॉट दैट ऑरा दैट ही हैज। मूवी को लेकर ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? मूवी को लेके आई वुड ओनली वांट टू से दैट गाइस प्लीज़ फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन लाइफ, डोंट गिव अप। अगर आप गिव अप करोगे तो आप पहुँचोगे नहीं जहाँ आपको पहुँचना है, आपको उसके लिए सिर्फ फोकस करना है। बिलीव मी, आपको जो चाहिए, जो हासिल करना है, जो पाना है, सब मिल सकता है। प्लस When you watch the movie, you will get to see the Himalayan Rally. रैली पे कभी फिल्म बनी नहीं है, ये अपने आप में एक नई चीज़ है, एक अनोखी चीज़ है। इट्स एन एक्सपीरियंस, सो यू हैव टू कम इन एंड वॉच इट योरसेल्फ। एक्शन या लव स्टोरी, ये है द रैली मूवी की कहानी। अब देखना ये होगा ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी कितनी छाप छोड़ती है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ मैं आशीष कुमार, बोल बिंदास, न्यू दिल्ली।